अस्सलामुअलैकुम। कराची में डाकू राज जारी, मुजाहिमत पर टायर शॉप का मालिक कत्ल, डकैती मुजाहिमत या टारगेट किलिंग, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आपको बताते चले कि कराची के इलाके सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब डाकुओं ने लूटमार के दौरान मुजाहिमत पर टायर शॉप के मालिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साइट सुपर हाईवे सनती एरिया के इलाके न्यू सब्जी मंडी के करीब कायम बिस्मिल्ला मार्केट के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स जाबहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 35 साल आरिफ महसूद के नाम से की गयी, जो बिस्मिल्ला मार्केट में टायर शॉप का मालिक और अली टाउन का रिहायशी था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मौके पर मौजूद दुकानदारों और दीगर अफराद ने पुलिस को बताया कि आरिफ महसूद ने दुकान बंद करके घर जाते हुए मार्केट के बाहर से अंगूर खरीदे और गाड़ी के अंदर ही बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार दो मुलजिमान ने उससे मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। इस दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मकतूल के सर पर गोलियां लगी। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए हक पाकिस्तान न्यूज़।